बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स क्लास के स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तीसरे चैप्टर का दूसरा लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, मेंटल कैलकुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, अब आपको जहन के अंदर चीज़ें हल करनी है और उसके लिए कुछ टेक्निक्स जो है वो आपको सीखनी है। तो देखें क्या सिखाते हैं हमें ये। इफ़ यू नो दैट 8 + 5 इज 13, यू ऑल्सो नो दैट 8 10s और 5 10s इज 13 10s। यानी अगर आप 8 और 5 के बारे में जानते हैं कि वो 13 देता है, तो 80 और + 50 भी क्या देगा, 13 देगा। मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये 8 को और 3 5 को आप जहन में रखिए, 8 और 5 13 होते हैं, ये 0 ऐसे आ गया। इसी तरीके से 8,000 को और 5,000 को अगर ऐड करना हो, 8 और 5 फिर 13 होते हैं और ये 3 0 इसके साथ ऐसे लगाते हैं। इसी तरीके से 80,000 और 50,000 को जमा करना हो, तो इसमें भी आप 8 को और 5 को ऐड कर लेते हैं 13, और 0 सारे वैसे लगा देते हैं। ठीक है, इफ़ यू नो एन एडिशन फैक्ट, यू कैन आल्सो नो टू सब्ट्रैक्शन फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 + 5 13 है, तो 13 - 5 8 होगा और 13 - 8 5 होगा। बिल्कुल इसी तरीके से 130 - 80, अगर आपको ये पता है, 13 में से 5 को माइनस करते हैं तो 8 आता है। तो आप 1300 में से 500 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 8 आएगा, 800। सही, आप 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। आप 13,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो माइनस के अंदर भी आप 0 को माइनस करने के बजाय जो नंबर हैं उन्हें माइनस करते हैं, और जहन के अंदर सोचकर आप ये सवालात हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है यूज़ द फैक्ट, ये फैक्ट आपको यूज़ करना है कि 7 और 8 15 बनाते हैं। ठीक है, अब आप बताइए ये क्या होगा। अभी ये कि 15,000 होगा। ठीक है, 7,000 और 8,000 भी मिलके क्या बनाएंगे, 15,000 होगा। अच्छा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7,000 आ जाएगा। ठीक है, ये जहन के अंदर आपको ये सारे सवाल हल करने हैं। इसी तरीके से अगले सवाल में आपको फैक्ट यूज़ करना है, 9 + 6 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर होता है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, 9,000 और 6,000 भी मिलके क्या होगा, ये होगा 15,000 के। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 15,000 में से 9,000 माइनस करें तो जवाब क्या आएगा, 6,000 आएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ऐसे ही सोचनी है, जहन आपको इस काबिल बनाना है कि आप बजाय इसके कि 0 को भी आप कंसीडर करें, आप 0 को कंसीडर नहीं करें, 0 के अलावा जो नंबर हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या पढ़ा रहे हैं, इफ़ यू नो वन फैक्ट, अगर आप एक फैक्ट जानते हैं, यू कैन इजीली मेक अदर फैक्ट, तो आप दूसरा फैक्ट खुद बना सकते हैं। एन ईजी वे टू मेक अ न्यू फैक्ट फ्रॉम अ नॉन एडिशन फैक्ट इज ट्रांसफर पार्ट ऑफ वन नंबर टू द अदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ये 30 + 90 120 हैं, यू कैन मेक न्यू फैक्ट्स, आप नया फैक्ट्स भी बना सकते हैं। सही, इसका एक इसको दे दीजिए, 400 हो गया, यहाँ कितना बचा, 800 हो गया, तो नया फैक्ट क्या बना, अगर 300 900 1200 उड़ दें, तो ऐसे ही 400 और 800 जो है वो 1200 हो, ऐसे ही 500 और 700 1200 हो। ठीक है, इसकी बुनियाद पर आपको ये वाला सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट विद 700 + 700 इज इक्वल टू 1400 एंड यूज द अबव ट्रांसफर। तो अब जैसे मैंने ये, आपने ये सोचा 700 और 700 क्या होता है, 1400 होता है। अब मैं ट्रांसफर करूंगा एक एक एक, मैंने इसको दे दिया, ये हो गया 800 और ये क्या हो गया, 600। तो 800 और 600 भी क्या होता है, 1400। फिर एक ट्रांसफर करते हैं, ये हो गया 900। ठीक है, और ये हो गया 500। ठीक है, ये दोनों मिलके भी कितने हो जाएंगे, 1400। इसी तरीके से एक और ट्रांसफर कर दें, ये हो गया 1000 और ये हो गया 400, दोनों मिलके भी क्या हो जाएंगे, 1400 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक फैक्ट आपको अगर पता हो तो उससे आप कई दूसरे फैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो
ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं, हेयर इज अनदर वे टू फॉर्म न्यू फैक्ट्स फ्रॉम अ फैक्ट दैट यू नो। मिसाल के तौर पर 600 प्लस 600 है, ये 1200 है। अगर आप यहाँ 600 में एक और जमा कर डालें, 700 कर दें, तो जो जवाब था 1200, इसमें भी आपको एक और ऐड करना पड़ेगा। सही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये 600 है और प्लस ये 800 है, दोनों मिलके कितने बनाते हैं 1400। मैं अगर 800 में एक और 100 ऐड कर दूँ, 900 कर दूँ, तो मुझे 1400 में भी 100 ऐड करना पड़ेगा। ये बताता है ये वाला, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम जा रहे हैं अगले पेज के ऊपर। अगले पेज पे सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, यूज द ऐड ऑन बोथ साइड्स मेथड टू फॉर्म अनदर 5 एडिशन। दोनों तरफ आपको ऐड करना है और आपको मजीद फैक्ट्स बनाने हैं। तो 700 है प्लस आपके पास 700 है, ठीक है। अब जैसे ये दोनों मिलके होता है 1400, अब आपको क्या करना था, फ्रॉम अनदर 5 एडिशन फैक्ट्स स्टार्टिंग विद, बोथ साइड आपको ऐड करना है। अगर मैं इस तरफ भी ऐड करूं, इस तरफ भी ऐड करूं, मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर ऐड कर दिया 100, ये तो ये हो गया 800, यहाँ पर ऐड कर दिया 100, तो ये 800, तो मैंने दोनों तरफ कितना ऐड किया है, दो, तो ये 1600 यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि ये 700 ऐसी रहे और मैं सिर्फ इसमें ऐड करूँ 800, तो 700 और 800 में जब मैंने यहाँ एक ऐड किया है तो दूसरी तरफ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा 1500। इसी तरीके से 700 ऐसी रहे और मैं इसमें ऐड कर दूँ एक और 900, यानी एक और 100, तो ये कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है डबल्स का, द डबल्स, ठीक है। 30 को डबल करेंगे तो 60 आएगा, 4000 को डबल करेंगे तो 8000 आएगा। सही है। वी कैन आल्सो से 3 tens और 3 tens जो है वो 6 tens होते हैं, 4 और 4000 8000। तो डबल के अंदर भी दरअसल आप किसको डबल कर रहे होते हैं, इस 3 को, इस 3 को, इस 4 को और इस 4 को डबल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर सवाल है नीचे वाले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ मच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 6000 है और ये 6000 है, तो आप सिर्फ 6 को और 6 को डबल कर लीजिए, ये हो गया 12 और ये वाला 1000 ऐसे आ गया, 12000 हो गया। ये सारे सवाल कापी में आप हल कीजिए अभी, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे पढ़ा रहे हैं, इफ यू वांट टू नो हाउ मच 3000 and 5000 इज, यू कैन स्टार्ट विद द नियरेस्ट डबल विच इज 3000 और 3000 6000 2000 टू गेट 3000 5000 इज इक्वल टू 8000, ठीक है। तो जैसे आपके पास 3000 है, इसी को आप डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6000 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 6000 बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ 3000 लिखा हुआ है और यहाँ 5000 लिखा हुआ है, तो हमने कितना इसमें ऐड कर दिया, 2000 ऐड हो गया। जैसे इसमें 2000 ऐड होगा, इसमें भी 2000 ऐड हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल हम करते हैं, शो हाउ द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन कैन बी फाउंड बाय फर्स्ट डबलिंग वन ऑफ द नंबर। देखिए जैसे ये सवाल है, इसमें ये 7000 है, 7 का जो ये 8000 है, आप 7 का अगर डबल करते हैं तो 14 होता है, और 8000 में क्योंकि एक ज़्यादा था तो 14000 के बाद वो बन जाएगा 15000, यानी 7000 ऐसी रहा और जबकि ये क्या था 8000, हमने इसको 8000 के बजाय इसको डबल करने की नियत से इसको भी क्या मान लिया, 7000 मान लिया, तो ये कितने बन गए, ये बन गए 14000। लेकिन हकीकत में ये 7000 नहीं था बल्कि ये कितना था, 8000 था, तो 1000 इसमें और ऐड करेंगे, तो जब यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी
ऐड हो जाएंगे। इस तरह से जहन में आप डबल करके चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये 60 है, 60 का डबल 6, 6 का डबल क्या होता है, 6 का डबल 12 होता है, लेकिन क्योंकि ये इसमें दो मज़ीद ज़्यादा हैं तो दो और डाल दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा 14 और 4 जीरो ऐसे आ गए, तो 4 जीरो इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप जो है वो जहन के अंदर एडिशन कर सकते हैं। हम जा रहे हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टार्ट विद 800 प्लस 800 एंड यूज डिफरेंट मेथड टू फॉर्म 10 डिफरेंट एडिशन फैक्ट्स एंड 20 डिफरेंट सबट्रैक्शन फैक्ट्स। 800 से स्टार्ट करके आप 10 जो है वो फैक्ट्स निकालिए। तो मैं 800 प्लस 800 बराबर होता है किसके, 1600 के। मैं यहाँ पर भी एक यहाँ से यहाँ डाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा, एट, ये हो जाएगा 800 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको अगर मैं लिखूँ 700, तो मैंने यहाँ से एक कम कर दिया है। जैसे मैं यहाँ से एक कम करूँगा जवाब से भी एक कम हो जाएगा, 1500। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 800 ही रहने दूँ और यहाँ पर एक और 100 कम कर दूँ, 600, क्योंकि मैंने एक और 100 कम कर दिया है लिहाजा ये और कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे फैक्ट्स डिज़ाइन करने हैं। नीचे की तरफ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इनकी बुनियाद को लेना है और लेकर आपको इस तरह के मुख्तलिफ फैक्ट्स बयान करने हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको कर दूँ 700 और इसका जो 1 है वो यहाँ दे दूँ 900, तो बी ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, 1600। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये भी कर सकता हूँ कि 100 और यहाँ दे दूँ, ये 1000 हो गया, 1000 और यहाँ से 100 इसको दे दिया तो ये कितने बचे, 600 बचे, ये भी मिलके कितने हो जाएंगे, 1600। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे फैक्ट्स बनाने हैं इन दो की बुनियाद पर, 800 और 800 की बुनियाद पर आपको फैक्ट्स बनाने हैं। ये फैक्ट्स जो है वो प्लस में भी होने चाहिए और ये फैक्ट्स जो है वो माइनस में भी होने चाहिए। माइनस में कैसे होंगे, मिसाल के तौर पर मेरे पास है 800 प्लस 800, ये दोनों मिलके कितने होते हैं, 1600। अब जैसे मैं यहाँ से एक 100 की कमी करता हूँ, 100 की मैंने यहाँ कमी की तो वहाँ पर भी 100 की कमी हो जाएगी, ये भी 1500 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये काम यूं भी कर सकते हैं कि जब ये दो फैक्ट आपके पास आ गए, 700 और 800 मिलके कितने होते हैं, 15, तो अब आप माइनस में यूं भी लिख सकते हैं, 1500 में से 700 माइनस करेंगे तो जवाब 800 आएगा। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। और अगर हम इसमें एक बढ़ा दें, 16 कर दें, ठीक है, और यहाँ 700 कर दें, तो आपने क्योंकि 100 इसमें बढ़ाया है लिहाजा यहाँ पर भी 100 बढ़ जाएगा, 900 हो जाएगा। इस तरह से माइनस और प्लस के आपको फैक्ट्स बनाने हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कॉपी एंड कंप्लीट द नंबर जर्नी टू प्रैक्टिस फिलअप। 800 में क्या जमा करें कि 1000 आ जाए, 1000 में क्या जमा करेंगे 1400 आ जाए, 1400 में क्या जमा करें कि 2000 आ जाए, 2000 में क्या जमा करें, ये आपको कॉपी के अंदर पूरा ऐसा चार्ट लिखना है और चार्ट लिख के इसे फिल करना है। ठीक है, चलें भाई अब हम चले गए अगले पेज के ऊपर। ठीक है, अगले पेज के ऊपर क्या है आपके पास, एक सवाल आपको दिया गया है। जैन एंड टिबोगो वॉक फ्रॉम द स्कूल गेट टू देयर क्लासरूम। जैन और टिबोगो स्कूल गेट से अपनी क्लासरूम की तरफ जाते हैं। दे स्टार्ट टुगेदर बट टिबोगो वॉक्स फास्टर देन जैन। चलते तो साथ हैं लेकिन टिबोगो तेज तेज चलता है और जो जैन है वो थोड़ा स्लो चलता है। आफ्टर सम टाइम जैन हैज़ वॉक 30 मीटर। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जैन ने कितना फासला तय कर लिया है, 30 मीटर फासला तय कर लिया है।
एंड टिबोगो हैज वॉक 45 मीटर। टिबोगो ने जो है वो कितना फासला तय कर लिया है, 45 मीटर, क्योंकि वो थोड़ा तेज तेज चल रहा था इसलिए वो आगे निकल गया। हाउ फार दे नाउ फ्रॉम ईच अदर, अब वो एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 15 का। तो हम बोलेंगे इन दोनों के दरमियान वो फासला 15 का है। यू कैन मेक अ रफ ड्राइंग टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी प्लस का सवाल था, सॉरी माइनस का सवाल था, इसके अंदर आपको डिफरेंस बताना था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। नंबर लाइन के जरिए भी हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन जो बहुत छोटी क्लासेस में आपने नंबर लाइन को स्टडी किया होगा, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फर्स्ट फिलिंग अप टू 1000। सही है, तो फर्स्ट फिलिंग अप टू 1000, 1400 में से 800 आपको माइनस करना है। तो आसान तरीका ये है कि 1000 में से 800 को माइनस करते हैं तो यहाँ बचते 200, और ये 14 थे तो ये बन गए 600, ठीक है। आपको इसको माइनस करना है, माइनस का सवाल बनाना है, और इसको माइनस का सवाल बना के हल करना है। वैसे ये जो नीचे आप देख रहे हैं लाइन, इस लाइन के हिसाब से आपको इस सवालात को हल करना है। ये 1000 है, 1000 के बाद ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ठीक है। तो 14000, 1400 में से ये 1400 है, इसमें से 800 आपको क्या करना, माइनस करना। माइनस में आपको रिवर्स चलना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस आप कहाँ आ गए, 8 पर आ गए। अब ये खुद क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 है। इस तरह से ये आपने नंबर लाइन को मैनेज किया, ठीक है। तो इसको आप नंबर लाइन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इन सवालात को माइनस कर लीजिए जहन के अंदर अपने। ऐसे ही अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी आप इनको माइनस करेंगे, ऊपर नीचे रखकर भी हल कर सकते हैं और फिर नीचे भी लिखकर जो है हल कर सकते हैं। 6400 ऊपर लिखिए, 5000 और 800 को नीचे लिखिए और इसको माइनस कीजिए। 14 में से 8 गया 6 और ये 600 बाकी बचा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अगले पेज के ऊपर, ठीक है। अगले पेज के सवालात भी आपको हल करने हैं कॉपी के अंदर। तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट फिलिंग अप 10000। 14000 में से 8000 जो है वो माइनस करना है, 14000 में से 8000 माइनस करना है। तो आप पहले 14000 में से 10000 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन आपको 10 माइनस नहीं करना था, माइनस आपको क्या करना था, 8000। तो जो इजाफी 2000 माइनस हो गए वो दोबारा से ऐड कर देना, तो ये बचेगा 6000। तो समझ पा रहे हैं आप बात को, ये 14000 है, इसमें से क्या निकालना है, 8000 निकालना है। आप इस 8000 को भी 1000 मान लें, 10000 मान लें। तो 14 में से जब 10000 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4000। लेकिन क्योंकि आपने इसको 10000 माना है, जबकि ये 10000 नहीं था, ये 8000 था, तो दो और आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 2000 जब ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 बचेगा, ठीक है। इस तरह से जहन के अंदर आप बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करने के बारे में सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको कॉपी में हल करना है जहन से सोचकर, क्वेश्चन नंबर 14 भी कॉपी में हल करना है अपने दिमाग से सोचकर, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 15 पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी आपको ये सारे सवालात लिखने हैं और लिखकर इनके जवाब, जैसे 13-9 है, 13-9 कितना होता है, ये हमने इसको 10 सोच लिया, 13 में से 10 गया 3 बचा, लेकिन एक और इजाफी आ गया है तो ये बचे 4, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल हल करना है,
तो आप इसको ऐसे सोचेंगे 600 प्लस 900 है, तो आप ये 100 के दोनों जीरो छोड़ के 6 और 9 को ऐड कर लें, ये हो गए 15, दोनों जीरो ऐसे लगा दीजिए। इस तरह से ये सारे सवालात को आप जहन के अंदर हल करके कापी में इसके जवाब लिखिए। ठीक है, मैं चला गया अब अगले पेज के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी आपको यही सारे सवाल जहन में हल करने हैं। 7, 80, 90, 30, 60, 8, 6, 9। आसान तरीका ये है कि सबके जीरो जीरो छोड़ दें आप और ऐसे जमा करें। 7 और 8, 15, 15 और 9, 15 और 9 होते हैं 24, 24 और 3, 27, 27 और 6, 33, 33 और 8, 41, 41 और 6, 47, 47 और 9, ये आपके पास आ गया 56। तो आपने ऐसे लिखा 56 और ये जो जीरो छोड़ा था वो यहाँ लगा दिया। ऐसे इसको जमा करना है। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही हल करने हैं। जीरो को कंसीडर आप नहीं कीजिए, सिर्फ आप कंसीडर कीजिए नंबर को, और नंबर प्लस करने के बाद जितने जीरो आपने छोड़े हैं वो सारे जीरो आखिर में लगा दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे करना है। ठीक है, और अगर हम चलें आगे की तरफ तो ये जितने भी सवाल हैं 20, 21, 22, 23, ये सारे सवाल करने, लेकिन 23 में आपको ये बताना है 36 में क्या ऐड करें कि 40 आए। आप जब ये 00 छोड़कर सोचेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा ये 36 है और ये 40 है। तो 36 में कितनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, 4 की। तो इसका मतलब है 4000 अगर ऐड करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 40000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जहन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 30 के भी सारे सवाल हल करेंगे कापी के अंदर लिख के। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। काफ़ी लंबी क्लास आज की हुई है आपकी और आपके पास काम भी बहुत सारा है। ये डॉक्यूमेंट में ये सारे सवाल मौजूद हैं, आप वीडियो को छोड़कर डॉक्यूमेंट में जाइए और डॉक्यूमेंट में पहुंचकर हर सवाल को सवाल नंबर डालें और अपनी कापी के अंदर उसको लिखें। कुछ सवाल करने वाले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ गौर करने वाले और जहन में हल करने वाले हैं, उन सवाल को मत कीजिए। लेकिन जो सवाल करने वाले हैं, जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये सारे सवाल करने वाले हैं, ये सवाल आपको कॉपी के अंदर करने हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।